नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पटना से अजमेर तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे पटना से अजमेर तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे पटना से अजमेर के बीच में कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उन सभी ट्रेनों की डिटेल के बारे में बात करेंगे। डिटेल में बात करेंगे ट्रेन के नाम और नंबर के बारे में, ट्रेन का प्रस्थान का समय क्या है, आगमन का समय क्या है, ट्रेन जो है पटना या पटना के आसपास के कौन से स्टेशन से ये चलती है और ट्रेन के प्रस्थान का दिन कौन सा है और ट्रेन जो है उसमें कौन कौन से कोच लगे हुए हैं, कितना दूरी वो करती है कवर करती है और उस ट्रेन वो जो ट्रेन है कितना डिस्टेंस कवर करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस रूट पर मुख्य 7 ट्रेनें चलती हैं जिनमें से सबसे फास्टेस्ट ट्रेन तो है अनन्या एक्सप्रेस जो कि 20 घंटे 25 मिनट में पटना से अजमेर की दूरी जो है कवर करती है और सबसे स्लोएस्ट है किशनगंज गरीब अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं उन सभी ट्रेनों के बारे में जो कि पटना या पटना के आसपास से अजमेर के लिए चलती है। जो सबसे पहली ट्रेन चलती है पटना या पटना के आसपास से अजमेर के लिए उसका नाम है कामाख्या उदयपुर सिटी कवे गुरु एक्सप्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 19616। ये जो ट्रेन है हाजीपुर जंक्शन पटना जो कि पटना के पास का स्टेशन है यहाँ से हर शुक्रवार को दोपहर के 1:42 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 28 घंटे 23 मिनट बाद अगले दिन शाम के 6:05 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। इसके तकरीबन 25 स्टेशंस हैं और 1344 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 47 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। पेंट्री कार का कोच भी शामिल है, एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो दूसरी ट्रेन है जो कि सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है सभी ट्रेनों में से जिसका नाम है किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 15715। ये जो ट्रेन है पटना के पास हाजीपुर जंक्शन से हर इतवार मंगलवार शुक्रवार को दोपहर के 3:05 पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 30 घंटे 25 मिनट बाद अजमेर जंक्शन में रात के 9:30 पर अगले दिन पहुंचती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं, 1455 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 48 किलोमीटर पर आवर। और ये जो ट्रेन है मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। ICF कोचेज वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन जो कि हाजीपुर को अजमेर से कनेक्ट करती है उसका नाम है न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर सिटी वीकली एक्सप्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 19602। पटना के पास हाजीपुर जंक्शन से हर सोमवार को शाम के 5:10 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 28 घंटे 5 मिनट बाद अजमेर जंक्शन में रात के 9:15 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं और 1438 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 51 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और एसी इकोनॉमी और जनरल डिब्बे हैं और ये LHB कोचेज वाली ट्रेन है। इसके बाद पटना से अजमेर के लिए चलने वाली जो अगली ट्रेन है उसका नाम है भागलपुर अजमेर वीकली एक्सप्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 13423। ये जो ट्रेन है पटना जंक्शन से हर गुरुवार को शाम के 6:05 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 28 घंटे 50 मिनट बाद अगले दिन रात के 10:55 पर शुक्रवार को अजमेर जंक्शन में 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं और 1527 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 53 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है जिसका नाम है जियारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 12395। ये जो ट्रेन है पटना जंक्शन से हर बुधवार को शाम को 6:20 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 21 घंटे 15 मिनट बाद अगले दिन दोपहर के 3:35 पर 2 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है अजमेर जंक्शन में। और इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं, 1305 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 61 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और एसी इकोनॉमी और जनरल डिब्बे हैं और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है, LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि पटना को अजमेर से कनेक्ट करती है वो है अनन्या एक्सप्रेस ट्रेन।
अनन्या एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रेन नंबर है 12315। ये जो ट्रेन है पटना जंक्शन से हर गुरुवार को रात को 9:40 पर रवाना होती है 7 नंबर प्लेटफॉर्म से, और 20:25 बाद ये ट्रेन जो है अजमेर जंक्शन में पहुंच जाती है। अजमेर जंक्शन में पहुंचने का समय है अगले दिन शाम के 6:05 पर, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। यह सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है और इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं, 1305 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 64 किलोमीटर/आवर है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद पटना या पटना के आसपास से जो अजमेर के लिए चलने वाली जो आखिरी ट्रेन है उसका नाम है मुजफ्फरपुर साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 15259। ये जो ट्रेन है हाजीपुर जंक्शन से हर गुरुवार को रात को 10:15 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 25:05 बाद अजमेर जंक्शन में अगले दिन रात के 11:20 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 19 स्टेशन हैं, 1210 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 48 किलोमीटर/आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें सिर्फ जनरल डिब्बे होते हैं, तकरीबन 20 जनरल डिब्बे होते हैं और जिसका किराया लगभग 310 रुपये के करीब। तो दोस्तों इसी के साथ पटना या पटना के आसपास से अजमेर तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इस तरह इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।